जो भी छोटी छोटी चीज़ है वो दो दिन पहले मेरे हाथ में होनी चाहिए, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। लास्ट मोमेंट तक भागम भाग करो। कल के दिन हमारे लिए बहुत बुरा गया, कल के दिन पूरा सर दर्द हो रहा था, घर से बाहर ज़्यादा निकलने नहीं मिला। आज एकदम मस्त लग रहा है, एकदम फ्रेश लग रहा है। थोड़ा वीकनेस है बॉडी में, वो टैबलेट की वजह से हो सकता है, आज ना सर दर्द है आज ना बुखार है। तो गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी का हमारे नए व्लॉग में स्वागत है। अभी मैं प्लान कर रहा हूँ शॉपिंग के लिए घर से बाहर निकलने का। मूड जब ख़राब होता है, थोड़ी चीज़ें ऊपर नीचे होती है, तो शॉपिंग करनी चाहिए, शॉपिंग से दिल थोड़ा खुश होता है। इसीलिए मैं अवॉइड कर रहा था संडे, सैटरडे संडे शॉपिंग नहीं करनी, लेकिन अभी मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट वीक में हम लोग का वैसे भी निकलने का प्लान भी बन रहा है, और आज घर बैठे बैठे बहुत बोर हुए थे। ये मॉल में अभी तक का रिकॉर्ड है, जब भी मैं यहाँ पे आया हूँ हार्डली 2-3 कार मुझे मिलती है। अभी मैं कम से कम 10 मिनट से लाइन में खड़ा हूँ। मॉल में गया था टी शर्ट्स की शॉपिंग करने, लेकिन कलेक्शन कुछ इतना मिला नहीं। एक ही टी शर्ट पसंद आया, बाकी सब ओके ओके कलेक्शन था। देखूंगा और मुझे एक दो टी शर्ट्स चाहिए, अगर मिलते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं इसे ही मैनेज कर लूँगा। लोग इतने बाहर निकल रहे, आज जो तोड़ रश थी मॉल में मुझे अजीब लगने लगा बहुत दिनों के बाद इतनी सारी भीड़ देख के। अभी अभी लॉकडाउन भी खुला है, सब लोग बाहर भी निकलने लगे, लोग इतने जोश से बाहर निकल रहे, भूल रहे कोरोना था है नहीं है, लोगों को कुछ भी पता नहीं। जैसे एक ही कहूँगा यार, बाहर निकल रहे तो बहुत लोगों के मुंह पे मैंने मास्क नहीं देखा, प्रिकॉशन लो, कोविड गया नहीं है, रिटर्न बाउंस होके कब थर्ड वेव आएगा ना हमें भी पता नहीं चलेगा। हेलमेट का सेटअप थोड़ा मुझे चेंज करना है, नया माइक लगाना है, नया मीडिया माउंट लगाना है। पैडिंग मैंने निकाल के बाहर रख दी है, इसे थोड़ा आज क्लीन भी किया, बहुत दिनों से क्लीन नहीं किया था। हेलमेट पैडिंग के ऊपर बहुत लोग बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, आप उसे ना बार बार क्लीन करते रहो, 1 महीना 1.5 महीने का आपके यूज़ के हिसाब से थोड़ा डिसाइड करो और वो बार बार क्लीन करते रहना। बहुत लोग इसे इग्नोर मारते हैं, उसके बाद बैक्टीरिया क्रिएट होता है, स्मेल गंदा आना, ये तो एक सिंपल चीज़ होगी, लेकिन उससे जो आपकी स्किन को हार्म पहुँचता है, जो आपके हेयर को हार्म पहुँचता है, ये सारी चीज़ें अगर आपको अवॉइड करनी है तो आप हेलमेट बार बार क्लीन करते रहना। प्रोडक्ट दिखाने से पहले कहता हूँ, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये प्रोडक्ट मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, बहुत सही प्रोडक्ट है, आपको आराम से 6 महीना 1 साल तक चला जाएगा, जैसे आपका यूज़ है उसके ऊपर डिपेंड है। मैं ये यूज़ करता हूँ 15 डेज़ बाद, एवरी 15 डेज़ में मैं एक बार अपने हेलमेट को क्लीन करता हूँ, अंदर पूरा स्प्रे मार कर उसे क्लीन करता हूँ, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसकी प्राइस है 549 और इसमें आपको मिलता है 500 ml। मैं जानबूझ के व्लॉग में छोटी छोटी चीज़ें शेयर करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको भी ये सारी चीज़ें पता चले। आपके भाई ने जब व्लॉग्स बनाना स्टार्ट किया था तो आपके भाई को किसी ने हेल्प नहीं किया था। मैं जितने भी मेरे पहचान के थे जो व्लॉग्स बनाते थे, वो लोग का भी मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगा, वो लोग को मैं फ़ोन करके पूछ रहा था भाई ये कौन सा माइक होना चाहिए, भाई ये कैसा सेटअप होना चाहिए, क्या होना चाहिए। सब लोग बोलते थे बताते, लेकिन कोई बताता नहीं था। तो आपका भाई यहाँ पे जानबूझ के ये सारी चीज़ें बताता है ताकि आपको ये दिक्कत ना रहे। तो मैंने माइक चेंज कर लिया, अभी मैं रोड का माइक यूज़ करने वाला हूँ। इसकी कॉस्ट थोड़ा महंगा माइक है ये, 5500 के आसपास इसकी कॉस्ट बन जाती है। और जो मेरा पहला वाला जो माइक है कहा गया, ये माइक है बोया का माइक, बहुत प्यारा माइक है। मैंने बहुत बार ये कहा है कि अगर आपको यूज़ करना है तो बोया का माइक आप बिंदास यूज़ करो, बहुत सही माइक है। आज तक जितने मेरे व्लॉग्स बने लद्दाख से लेके, लास्ट टाइम 2018 के लद्दाख से लेके जितने भी मेरे व्लॉग्स बने, जितना मैंने ट्रैवल किया है, जितने मैंने मोटो व्लॉग्स बनाए, वो सारे मोटो व्लॉग्स मेरे बोया के माइक से बने। अभी मैं पहली बार कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ। अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये आवाज़ भी रोड के माइक से रिकॉर्ड हो रही है, ये है रोड का प्रो प्लस। ये आज पहली बार लगा रहा हूँ तो अभी एंगल का मुझे इतना पता नहीं है, ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये माइक भी पहली बार हम लोग यूज़ कर रहे हैं, आवाज़ कैसे आ रहा है मुझे पता नहीं, ये कैसे रिकॉर्ड कर रहा है कोई आइडिया नहीं है। शॉपिंग की है लड़के ने आज, नया जैकेट नया हेलमेट। राइड पे किधर नहीं जाएगा लेकिन शॉपिंग बहुत करेगा। मैं बोल रहा हूँ राइड पे कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ शॉपिंग करेगा। यहाँ पे ब्रेक चेक करने मिलेंगे, ग्रेट। V8 स्पीड ब्रेकर का हाइट देखो, पहाड़। अभी भी 100% ब्रेक बाइट नहीं मिल रहा, एक 50-60 किलोमीटर चलने के बाद ब्रेक बाइट अच्छा रहेगा।
मुझे हमेशा की याद है जब भी मेरा ट्रैवल प्लान बनता है तो ट्रैवल प्लान से दो दिन पहले, मिनिमम दो दिन पहले मैं सारा सामान सेट करके रखता हूँ। जो भी छोटी छोटी चीज़ें वो दो दिन पहले मेरे हाथ में होनी चाहिए, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। लास्ट मोमेंट तक भागम भाग करो। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग कितनी भी तैयारी करें, लास्ट मोमेंट तक कुछ ना कुछ तो रहता ही है। अविनाश की याद में तुझे चाय पिलाता हूँ। मुझे पता है मेरा डाइट 100% नहीं हो रहा है, तू मेरे मुंह से सुनना चाहता है क्या? ये तो पूरा घर बना दिया आंटी ने। रोड इतने खराब है, ऑफ रोड में गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो कीचड़ कीचड़ नजर आ रहा है, ये कीचड़ उड़ना नहीं चाहिए। अभी अभी मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखी। कुछ लोगों ने फादर्स डे के स्टेटस रखे हैं, तो उसमें भी कुछ लोगों को तकलीफ है। कुछ लोगों ने ऐसे भी स्टेटस रखे हैं, 365 डेज होते हैं फादर्स डे, हम एक दिन सेलिब्रेट करके क्या मिलने वाला है आपको, एक दिन के लिए स्टेटस रख के कुछ नहीं मिलेगा। आप जजमेंटल क्यों बन रहे हो? जिसको जिस चीज़ में खुशी मिल रही है और आप देख रहे नहीं कि वो किसी के दिल में फादर के लिए कितनी जगह है। हर एक बेटे को अपने माँ बाप प्रिय होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, कुछ लोग ये कब सीखेंगे कि अपने काम से काम रखना। मैंने एक चीज़ हमेशा देखी है, हम लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं ऐसे लोगों से जिनके लाइफ में हमारी कुछ वैल्यू नहीं है। हमारी यही सबसे बड़ी गलती होती है, हम लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं। एक्सपेक्टेशन रखो, अच्छी बात है, लेकिन अपने फैमिली से रखो, अपने करीबी दोस्तों से रखो, जो एकदम दिल के करीब है उन लोगों से रखो। ऐसे लोगों से मत रखो जिनके लाइफ में हमारी वैल्यू नहीं। अभी एक इंसिडेंट के ऊपर ये चीज़ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, वो इंसिडेंट मैं अभी आपसे शेयर नहीं कर सकता, लेकिन ये बात शेयर करने का दिल किया, ऐसे ही मुझे लगा, इसलिए मैं ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। नहीं तो आप बोलोगे क्या ज्ञान दे रहे हैं भाई, घर की हालत देखो। ज्ञान वाली बात छोड़ो, घर की हालत देखो। मुझे यहाँ पे अभी कवर डालना है, ये सारे कपड़े अंदर रखने हैं, ये बॉक्स ठीक से रखना है, इतने सारे काम पेंडिंग है और ये सारे काम हमें कम टाइम में निपटाने हैं। और मेन चीज़ क्या हो रही है, मैं बहुत दिनों के बाद ट्रैवल प्लान कर रहा हूँ, और मेरे जैसे ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत दिनों के बाद ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, तो चीज़ें इतनी ऊपर नीचे हो रही है, इतनी ऊपर नीचे, मतलब बिलीव नहीं हो रहा। अभी तो ऐसे हो रहा है ना बच्चों की तरह, अभी मैं बैठा था, शांत बैठा था, तो मेरे दिमाग में यही चल रहा है, मैं ये नहीं भूल रहा हूँ, मैं वो नहीं भूल रहा हूँ। हालांकि अभी दिन है मेरे हाथ में, थोड़े दिन है तो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या चीज़ें हो रही है, बहुत अजीब वाली फीलिंग है। हाँ, एक चीज़ मैं कह सकता हूँ, बच्चों जैसा हुआ है, बच्चों के हाथ में अगर हम लोग कोई नई चीज़ देते हैं, यार बच्चों को कहते हैं कि हमें यहाँ यहाँ जाना है, आपकी फेवरेट प्लेस पे जाना है, उनके दिल में जो फीलिंग होगी ना, वही फीलिंग अभी मेरे भी दिल में है और मेरे जैसे बहुत सारे ट्रैवलर के दिल में होगी, बहुत दिनों के बाद ट्रैवल जो करने मिल रहा है। और एक चीज़ जो मुझे समझ में नहीं आ रही, ये है मेरा DJI Mavic Pro 2। इसे मैं पिछले कई दिनों से अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका फर्मवेयर अपडेट है, लेकिन ये अपडेट नहीं हो रहा है। तो मैंने एक्सपर्ट्स को भी दिखाया, अभी तक इसका सोल्यूशन नहीं निकला है, और आने वाले ट्रैवल प्लान से पहले मुझे इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। अब ये फ्लाई होता है, लेकिन जब ये हाइट पकड़ता है तो इसकी स्टेबिलिटी में बहुत पंगे हो जाते हैं, कभी कभी गिम्बल भी इसका ठीक से काम नहीं करता, तो इसका प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, तो ही आने वाले ट्रैवल में चार चांद लगेंगे, ये होना चाहिए अपने साथ। तो बस गए, आज के व्लॉग में हम लोग यहाँ पे रुकते हैं। व्लॉग आपने यहाँ तक देखा है तो व्लॉग को लाइक किए बिना मत जाना। चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।